राम के भक्त हजारों थे, जब बन चला तो कोई नहीं, जब मैं सक्सेस हो जाता तो मेरे सभी शामिल होते, सब फल। ये फोटो मेरा है, ये देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नया वीडियो मनोज शर्मा ब्लॉग्स में। दोस्तों आज का ब्लॉग बिल्कुल अलग होने वाला है। आज हम कुछ आपसे अपने बारे में शेयर करना चाह रहे हैं। आप देखते होंगे हमें ब्लॉग में, देखते होंगे, लेकिन ये नहीं सोचते होंगे कौन है नहीं है। तो थोड़ा आज मैं वैसा ब्लॉग बना नहीं पाया, तो सोचा आज मैं अपना इंट्रोडक्शन ही दे दें, अपना थोड़ा जानकारियाँ दे दें, आपसे शेयर कर दें आपके पास थोड़ा। तो दोस्तों ब्लॉग बनाने पहले हम टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग करते हैं, उसको में हम पहले दिल्ली में जॉब करते थे और अच्छा खासा चल रहा था, अपना परिवार भी पाल रहे थे, मतलब 25-26 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था महीने का, जिससे हमारा घर का चल जाता था खर्चा। और इस तरीके से मैं करता रहा, चलता रहा हमारा अच्छा, और दो पैसे हमारा पास कुछ एसेट्स भी हो गया, कुछ पूंजी भी हो गया, तो मैं कुछ आगे बढ़ना चाहा, किसी चीज़ में मैं इन्वेस्ट किया, गाड़ी में मैं ट्रक खरीदा था। और ट्रक खरीदा इसलिए, देखिए दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें, और हर किसी के मन में चाहत होता कि आगे बढ़ें। तो मैं अपने आप अपना कमाई से अपने अकेले, तो दोस्तों शादी से पहले काम करता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा चलता रहा। जब शादी भी हो गया, दो लड़की हो गई, एक लड़का हो गया, तो मुझे भी लगा कि नहीं, कुछ अब आगे करना चाहिए, कुछ और भी इनकम को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा से परवरिश हो। तो ये तो हर कोई सोचता है, ये तो जनरल बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं दोस्तों, आप भी सोचते होंगे ये चीज़। तो ये सब सोच करके मैं कुछ पैसा को पूंजी लगाया और गाड़ी खरीदा, गाड़ी में लगाया, जो कि काफ़ी दुखद बातें हैं दोस्तों, ये सब हमारा पैसा डूब गया, चल नहीं पाया। और फिर लॉकडाउन में भी जानते हैं कि जो भी हमारा काम था, जो हम दिल्ली में जॉब करते थे, और वो लॉकडाउन के बाद जो भी ख़त्म हो गया, लॉकडाउन से जॉब ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा परेशान सा हो गए। फिर अभी तक हमारा सेटल सही से हो नहीं पा रहा, तो हम पहले, और हमारा थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रहता था गाना वाना लिखने में, तो हम बनाए हैं दो एल्बम बनाए हैं इसमें, और ये जॉब करने से पहले से जॉब करते थे उसी टाइम हमारा थोड़ा सा इंटेक्ट जो है हमारा इसकी ओर झुकाव ज़्यादा था, जो वीडियो बनाने के लिए तो गाना वाना लिखता था थोड़ा, तो कुछ एल्बम्स बनाया हूँ। जब ये सीडी का ज़माना था, जब ये यूट्यूब का भी ज़माना नहीं था दोस्तों, जब सीडी में लोग गाना बना करके रिकॉर्ड करवा करके बेचते थे, जब 7-7, 8-8 गाना एक सीडी में रिकॉर्ड होता था, जब ये हमारे भोजपुरी के जो स्टार हैं भाई साहब सब लोग जो हैं भैया, वो सब भी उस टाइम में सीडी बनाते थे और बेचते थे खुद ही, तो हम भी उसमें उस टाइम सीडी बनाते थे। लेकिन काफ़ी सीडियाँ ख़राब हो, जो यूट्यूब में नहीं आ रहा है, और काफ़ी सीडियाँ ख़राब हो चुका है, और एक दो सीडी है बचा हुआ, उसमें से एक सीडी हमारे पास ये बचा हुआ, ये वाला देखिए, ये फोटो मेरा है, ये देख सकते हैं, ये फोटो मेरा है। और उस टाइम से मैं कर रहा था, लेकिन मेरा मन में थोड़ा शर्म सा, कैमरा के सामने आने से शर्म लगता था, मुझे लगता था कि मेरे दोस्त लोग नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे रिश्तेदार लोग जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो ये सब बातें सोच करके मैं कैमरा के सामने आता नहीं था, कैमरा के सामने आने से बहुत शर्माता था थोड़ा, सिर्फ ऑडियो बना करके छोड़ देता था। अभी भी एक पिछले साल में मैं अभी एक सॉन्ग बनाया हूँ जो यूट्यूब पर है मेरा, अभी वो भी ऑडियो, वीडियो में बहुत शर्म लगता था वीडियो बनाने, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। और ये लॉकडाउन से काफ़ी हमारा लाइफ ही चेंज हो गया दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और जो भी आपके मन में मेरे बारे में आ रहा है वो कमेंट्स में करके बताइए। अब दोस्तों देखिए, हम पैसा लगाए हैं गाड़ी में, पैसा कमाए लगाए हैं, तो ये सोच के लगाए कि हम आगे चल के अच्छा करेंगे, अपने पूरी परिवार को लेकर के सोचा मैं, अपने घर वाले को, भाई, मेरे मम्मी पापा जो भी भाई सब मिला करके सबको बारे में मैंने समझा, लेकिन मेरा
नुकसान हो गया तो अभी घर वाले भी अच्छी अच्छा नहीं कहते हमको, मतलब ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब पैसा होता है तो हर कोई अपना कहते हैं, जब पैसा नहीं होता ना दोस्तों तो अपना भी बुराए बोलते हैं। लेकिन ये समझिए कि ये मुझे है कि मैं अपना कमाई किया, मैं अपना बाप का या अपना नुकसान नहीं किया, अपना घर वालों को कर्जा नहीं लिए, कैसे से अपना लिए, ये मुझे अपने आप पे गर्व है कि मुझे कोई मांगने नहीं आता। बर्बाद हो गया, पैसा लूट गया, लेकिन मुझे कोई मांगने नहीं आता। ये है कि अपना कमाया लगा दिया, अपना कमाई ही मेरा बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है, यही है ना कि थोड़ा सा मन में दुख होता है, यही थोड़ा सा कि मन में दुख होता है कि अगर मैं सक्सेस हो जाता उस लाइन में तो हमारा खुशियों में सभी शामिल रहते, यानी कि मैं सक्सेस हो जाता तो उसका हिस्सा, उसका फल पाने के लिए सभी तैयार रहते। लेकिन आज मैं अनसक्सेस हो गया तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। सभी यही बोलते हैं कि तुम कमाया तुम लुटा दिया, यही बोलते हैं दोस्त। तो कोई बात नहीं, मैं किया अच्छा होता है कि यही है कि राम के भक्त हजारों थे, जब बन चला तो कोई नहीं, जब मैं सक्सेस हो जाता तो मेरे सभी शामिल होते, सब फल, सबको फल मिलता, सब फल के भागीदार होते। और मैं आज जब नुकसान में चला गया तो सिर्फ मैं झेल रहा हूँ। तो बस अभी ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। तो YouTube पे एक यही ब्लॉगिंग चैनल शुरू स्टार्ट किया हूँ और इसमें वीडियो बना के डालता हूँ, आप लोग देखते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस आप लोग का ही सहारा, आप लोग ही ईश्वर हमारे लिए भगवान है। भगवान को तो पूछते हैं लेकिन देखे नहीं, लेकिन आप जनता सपोर्ट करने के बाद इंसान को भगवान का जैसा फल मिल जाता है, जनता सपोर्ट करते हैं तो भगवान कहीं बराबर होता है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए भगवान ही हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके मन में जो मेरे प्रति चल रहा हो, क्या करें नहीं कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, तो वो कमेंट्स बॉक्स में आकर के कमेंट्स कीजिए। बाय बाय। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ कहानी, तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। राम के भक्त हजारों थे, जब बन चला तो कोई नहीं, जब मैं सक्सेस हो जाता तो मेरे सभी शामिल होते, सब फल